भगवान गणेश प्रथम पूजनीय हैं। किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ भगवान गणेश की पूजा से ही किया जाता है। कहते हैं किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले यदि विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की स्तुति की जाए तो वह कार्य बिना किसी बाधा के संपूर्ण हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में मौखिक अथवा लिखित श्री गणेशाय नमः अवश्य अंकित होता है। भगवान गणेश को बुद्धि देने वाले भी कहा गया है, अर्थात प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश बुद्धि के देवता माने गए हैं। इनकी पूजा करने पर भक्त को बुद्धि से संबंधित शुभ फल मिलते हैं और भगवान श्री गणेश के पूजन से मनुष्य के जीवन में सुख सुविधाओं और उज्जवल भविष्य का प्रारंभ होता है। भगवान गणेश की बुद्धिमानी की अनेक कथाएं पुराणों में प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार एक बार भगवान गणेश ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय इस प्रकार दिया कि सभी देवताओं सहित स्वयं उनके भाई कार्तिकेय भी उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करने से नहीं चूके। एक बार शिव पुत्र बालक गणेश और कार्तिकेय के बीच इस बात को लेकर बहस होने लगी कि उन दोनों में बड़ा कौन है, और बात भगवान शिव और माता पार्वती तक पहुंची। उस समय नारद मुनि भी वहां उपस्थित थे। पिताश्री, मैं गणेश से बड़ा हूं, पर ये बात ये मानने को तैयार ही नहीं है। पिताश्री, आप ही बताइए, मैं कार्तिकेय से बड़ा हूं ना? देख लिया इन दोनों में बड़ा कौन है। अब इस बात पर ये दोनों भाई आपस के युद्ध को बढ़ा दे, इससे पहले कुछ कीजिए प्रभु। देखना पिताश्री, मुझे ही तुमसे बड़ा बोलेंगे। नहीं, मुझे बड़ा बोलेंगे। अब कौन तुम दोनों में से बड़ा है, ये तुम दोनों को ही सिद्ध करना होगा। हम दोनों को पिताश्री? हाँ, तुम दोनों को। इसके लिए तुम दोनों को एक परीक्षा देनी होगी। पिताश्री, आप आज्ञा दीजिए, हमें कौन सी परीक्षा देनी होगी? मैं पल भर में ही उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊंगा। और मैं भी पिताश्री। अवश्य पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश, परीक्षा ये है कि तुम्हें एक कार्य दिया जाएगा, और वो कार्य होगा पृथ्वी की परिक्रमा करने का। तुम दोनों में से जो भी तीन बार पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले कैलाश पर्वत पर लौटेगा, वही विजेता भी बनेगा और वही बड़ा भाई होने का अधिकार प्राप्त करेगा। फिर तो विजेता मैं ही बनूंगा। माताश्री, पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए। नारायण नारायण, बालक कार्तिकेय ने तो पृथ्वी की परिक्रमा करनी प्रारंभ भी कर दी। बालक गणेश, आप किस सोच में डूब गए? अब कुछ नहीं, मैं भी बस परिक्रमा प्रारंभ ही कर रहा हूँ। कार्तिकेय तुरंत अपने दिव्य वाहन मोर पर सवार हुए और आकाश में उड़ते हुए तीन बार पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। भगवान गणेश जानते थे कि वो भारी हैं और उनकी सवारी चूहा कार्तिकेय के मोर जितना तेज नहीं दौड़ सकता। अगर वो दुनिया का चक्कर लगाते हैं तो अपने भाई को कभी नहीं हरा पाएंगे। पुत्र गणेश, तुम पृथ्वी की परिक्रमा में नहीं जा रहे हो क्या? माताश्री, मैं वही तो प्रारंभ कर रहा हूँ। देवी पार्वती, हमारे दोनों ही पुत्र बहुत बुद्धिमान और होनहार हैं। हमारा पुत्र गणेश इस समय जरूर कुछ और ही विचार मन में सोच रहा है। इसके पश्चात गणेश जी ने अपने हाथ जोड़े और अत्यंत भक्ति के साथ अपने माता पिता के समक्ष चक्कर लगाने लगे। उन्होंने तीन बार परिक्रमा की और जीत के पुरस्कार की मांग की। माताश्री, ये प्रतियोगिता तो मैंने जीत ली, मैं तो ये परिक्रमा कब की पूरी कर चुका। पर पुत्र, तुम दुनिया भर में तो गए ही नहीं। पिताश्री, जन्म धारण करने वाली प्रत्येक संतान के लिए माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार विद्यमान होता है। माता पिता ही अपनी संतान के लिए त्रिलोक समान होते हैं। माताश्री के आंचल की छांव और आपके स्नेह की गोद मेरे लिए पूरी पृथ्वी के समान है, जहां आप दोनों की सेवा करने से मुझे सर्व सुख प्राप्त होते हैं। मेरा लाल, मेरा गणेश। पार्वती, वेद पुराण के हिसाब से गणेश की बात सही है, इसलिए गणेश को ही बड़ा भाई माना जाएगा। अद्भुत पुत्र गणेश, आप तो अति बुद्धिमान हैं। महादेव, अब तो ये बात मेरे साथ साथ सभी देवी देवता भी मानेंगे कि बाल गणेश
बुद्धि के दाता हैं। वो देखिए, बालक कार्तिकेय भी परिक्रमा पूर्ण करके आ चुके हैं। माताश्री, पिताश्री, मैं पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आया हूँ और मैंने सब कुछ सुन भी लिया है। वास्तव में गणेश अति बुद्धिमान होने के साथ साथ अति होनहार भी हैं। इसलिए ये प्रतियोगिता गणेश ने ही जीती है। कार्तिकेय ने भी गणेश की बुद्धिमानी की सराहना की। वे भी बालक गणेश की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव की इस योजना से दोनों भाइयों के बीच चल रही इस बहस का सदा के लिए अंत हो गया। प्रेमपुर गांव बहुत ही खुशहाल गांव था। अपने नाम की तरह ही इसमें रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे। बारिश भी समय पर होती थी, जिससे अच्छी फसल हो जाया करती थी। अगर कोई रोग बीमारी आती भी तो जल्दी ही लोग उससे छुटकारा भी पा लेते थे। सभी जगह खुशहाली ही खुशहाली थी और इस खुशहाली की वजह थी प्रेमपुर गांव में बना दुर्गा माँ का मंदिर। उस मंदिर में दुर्गा माँ की भव्य मूर्ति थी। सभी गांववासी हर रोज मंदिर जाकर उस मूर्ति की पूजा किया करते थे। एक दिन गांव का मुखिया सबसे कहता है, सभी गांव वाले मेरी बात ध्यान से सुनो। सालों साल चली आ रही परंपरा के अनुसार इस साल भी हम सब गांव वाले माता के मंदिर में बड़े धूमधाम से भव्य जागरण करेंगे। मैंने दुर्गा माँ के लिए शहर से नए कपड़े भी ऑर्डर कर दिए हैं। गांव की महिलाओं द्वारा माँ को नया लाल जोड़ा पहनाया जाएगा और उनका श्रृंगार भी किया जाएगा। साथ ही उनकी पूजा के लिए हर घर से थोड़ा थोड़ा दूध घी उस दिन माँ को अर्पित किया जाएगा, समझे? अपने गांव पर दुर्गा माँ की विशेष कृपा है, इसीलिए सभी उस रात जागकर दुर्गा माँ का जागरण करेंगे। जागरण की तारीख आज से ठीक एक महीने बाद की निकली है। आप चिंता मत कीजिए मुखिया जी, हर साल की तरह इस साल भी हम माता का जगराता बड़े धूमधाम से करेंगे। सभी गांववासी जागरण वाले दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन जागरण से ठीक 20 दिन पहले की बात है। आधी रात का समय था, तभी गांव की रहने वाली सबसे बुजुर्ग महिला सावित्री काकी अपने हाथ से ढोल पीटती हुई और चिल्लाती हुई घर से बाहर आई। गांव वालों, जल्दी बाहर आओ, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। अरे जल्दी बाहर आओ। ढोल की आवाज सुनकर सभी लोग बाहर आए। उसके बाद काकी ने जो लोगों को कहा उसे सुन सभी गांव वाले हैरान रह गए। अरे ये कैसी बातें कर रही हो काकी, पर ये कैसे संभव है? बेटा, मैंने तो जो सपने में देखा वही तुम लोगों को बताया, और जब से मैंने ये सपना देखा है तब से मैं भी यही सोचकर परेशान हूँ कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी दुर्गा माँ जंगल के बीचों बीच बने उस बरगद के पेड़ के नीचे कैद हो। पर हमारी माँ तो काफी शक्तिशाली है। चलो माना कि वो उस पेड़ के नीचे कैद है, लेकिन वो तो स्वयं भी बाहर आ सकती है ना। छोटे से बिट्टू की बात सुनकर सभी सोच में पड़ गए। बेटा, वही तो मैं भी कह रही हूँ, लेकिन माँ ने कहा है कि वो सिर्फ अपने भक्तों के द्वारा ही बाहर आ सकती है। सभी गांववासी काकी की बात को सुनकर हैरान तो थे, लेकिन गांव की सबसे बुजुर्ग महिला की बातों को नजरअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता था ना। इसीलिए सभी लोगों ने बिना वक्त गवाए उसी रात जंगल जाकर वो बरगद का पेड़ काट डाला और उसके नीचे खुदाई शुरू कर दी। 2 घंटे खुदाई करने के बाद जो गांव वालों ने देखा उसे देख सभी हैरान रह गए। देखा, मैं न कहती थी हमारी दुर्गा माँ कैद है इस पेड़ के नीचे। सभी लोगों ने देखा तो उनकी आंखों के सामने साक्षात दुर्गा माँ थी। उनकी 10 भुजाएं थी, उनके चेहरे पर एक तेज था और चेहरे पर मुस्कान थी। गांव वालों ने उन्हें पालकी में बिठाया और जोर जोर से माता का जयकारा लगाते हुए अपने गांव के मंदिर की ओर चल दिए। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कुछ देर बाद उन्होंने पालकी लाकर मंदिर में रख दी। तभी दुर्गा माँ उनसे बोली, मेरे बच्चों, तुम लोगों की भक्ति ही मुझे यहाँ खींच लाई है। अब मैं तुम लोगों के बीच ही रहना चाहती हूँ, और अब जब मैं साक्षात तुम लोगों के सामने ही हूँ तो अब मेरी इस मंदिर में रखी मूर्ति की कोई जरूरत नहीं है। तुम इसे बहते पानी में विसर्जित कर दो और मुझे उस मूर्ति के स्थान पर विराजमान होने की जगह दो। माता की आज्ञा पर लोगों ने उस सैकड़ों साल पुरानी मूर्ति का विसर्जन कर दिया और साक्षात माँ को उस स्थान पर बिठाकर उनकी पूजा करने लगे। जागरण से कुछ पहले घटी इस घटना ने गांव में भक्ति का एक अलग ही वातावरण लाकर रख दिया था। कल तक जो मूर्ति की पूजा करते थे वो अब साक्षात माँ की पूजा करते हैं।
लेकिन माता के स्थापित होने के दो दिन बाद ही उस गांव में तरह तरह की घटनाएं घटने लगी। लोगों के बीच प्रेम भाव खत्म होने लगा, घरों में चोरियां होने लगी, बुजुर्गों का अपमान होने लगा। सुनो जी, बहुत कर लिया मैंने तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की सेवा, अब बस और सेवा पानी नहीं होती मुझसे। या तो तुम उन्हें कहीं छोड़ाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अरे तू क्या, मैं खुद इन बुड्ढों से परेशान हो चुका हूँ, अभी मैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाता हूँ। बिरजू अपने कमरे से बाहर जाता है और अपने बूढ़े माँ बाप को धक्के मार कर बाहर निकालने की कोशिश करता है। हेलो, निकलो अब यहाँ से। बेटा कुछ तो हम पर रहम खा, अपने बूढ़े माँ बाप को कौन इस उम्र में घर से बाहर निकालता है। बेटा बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, आधी रात को हम इस बारिश में कहाँ जाएंगे, हमें कल सुबह तक का वक्त दे दो, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। अजी ये सब तो इन बुड्ढों का बहाना है, मैं कहती हूँ निकालो इनको लात मार कर बाहर। ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं थी, बल्कि हर घर में यही चल रहा था। भाई भाई से लड़ रहा था और बहन बहन से, औरतों के साथ जबरदस्ती की जा रही थी, लोगों के खेतों में आग लगकर उनकी सारी फसल खराब हो रही थी, कुएं का पानी सूख चुका था। लेकिन दुर्भाग्य का सिलसिला यही नहीं थमा और लोगों की अचानक मौत तक भी होने लगी। एक दिन सरिता की 5 साल की लड़की की अचानक से मौत हो गई। हाय मेरी बच्ची, ये क्या हो गया तुझे, उठ अपनी माँ से बात कर मेरी बच्ची। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव में ये अशुभ घटनाएं हो क्यों रही हैं, जबकि अब तो दुर्गा माँ साक्षात उनके गांव में विराजमान है। छोटे से दुर्गा भक्त बिट्टू के दिमाग में भी ये बात बार बार आती थी, लेकिन वो माँ का ध्यान करता रहा। लेकिन एक रोज उसके पापा का भी अचानक निधन हो जाता है। पापा पापा उठो ना पापा, अब मेरे साथ कौन खेलेगा, उठो ना पापा। लेकिन वो नहीं जानता था कि अब उसके पापा कभी नहीं उठेंगे। बिट्टू और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति उनका दुख बांटने नहीं आया। बिट्टू और उसकी माँ ने अकेले ही बिट्टू के पिता को अग्नि दी और उसका अंतिम संस्कार किया। रात को बिट्टू जब घर लौटा तो उसको नींद नहीं आ रही थी और वो गुस्से में उठ खड़ा होता है और कहीं जाने लगता है। तभी उसकी माँ, बेटा बिट्टू आधी रात को तू कहाँ जा रहा है। माँ मैं मंदिर जाकर दुर्गा माँ से पूछूंगा कि उन्होंने मेरे पापा को मुझसे क्यों छीना। ये कहकर बिट्टू गुस्से में चला जाता है, उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो दोनों रात को ही माता के मंदिर गए, जबकि माता की आज्ञा के अनुसार कोई भी रात को मंदिर नहीं आ सकता था और जो कोई भी ऐसा करेगा उसे माता के क्रोध का शिकार होना पड़ेगा। लेकिन उन दोनों को तो जैसे इस बात की परवाह थी नहीं। वो दोनों जब मंदिर पहुँचे तो वहाँ का नजारा देख कर थर थर कांपने लगे। वहाँ माता तो थी ही नहीं, बल्कि एक भयानक राक्षसी थी। उसके 5 हाथ और 3 सर थे। उसका शरीर भयानक काले रंग का था और बड़े बड़े नुकीले दांत थे। उनको देख राक्षसी बोली, कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्यों आए हो। पहले आप बताइए आप कौन हैं और हमारी दुर्गा माँ कहाँ है। दुर्गा माँ मैं ही हूँ तुम्हारी दुर्गा माँ, अब करो मेरी जय जयकार। वो राक्षसी ताड़का थी, सभी दुर्गा माँ की पूजा करते थे। इस बात से वो बहुत चिढ़ती थी, वो चाहती थी कि दुर्गा माँ की तरह लोग उसकी भी पूजा करें। उसने तंत्र मंत्र की विद्या से कई काली शक्तियाँ हासिल कर रखी थी। उसने अपनी शक्तियों से सावित्री काकी के शरीर में प्रवेश किया और लोगों से झूठ कहा कि माता बरगद के पेड़ के नीचे कैद हैं। उसने ही ये सारी माया रची थी और वही उस पेड़ के नीचे कैद थी। अब मैं इस गांव की माता हूँ और अब तुम सब सिर्फ मेरी ही जय जयकार करोगे। ये सब मेरी ही रची हुई माया थी जिसमें तुम सब बेवकूफ फंस गए। बिट्टू और उसकी माँ ने जल्दी से अपनी आंखें बंद की और दुर्गा माँ का ध्यान करने लगे। तभी वहाँ जोरदार बिजली कड़की और साक्षात दुर्गा माँ प्रकट हुई। दुर्गा माँ आप, जय दुर्गा माँ, जय दुर्गा माँ, जय माँ दुर्गा। अच्छा तो तू यहाँ भी आ गई, चल अब जैसे मैंने तेरी मूर्ति का विसर्जन किया वैसे ही अब तेरा भी खात्मा कर देती हूँ। ये कहकर उसने अपनी मायावी शक्ति से एक तलवार प्रकट की और दुर्गा माँ की तरफ फेंक दी। लेकिन दुर्गा माँ ने अपने त्रिशूल से उस पर वार किया जिससे उसके शरीर के हजारों टुकड़े हो गए और उसकी मौत हो गई। ए माँ तुमने हमारे गांव को अपनी कृपा से क्यों वंचित कर दिया, लौट आओ माँ लौट आओ। बेटे अब मैं फिर से यहीं रहूंगी और इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, जहां तुम जैसे भक्त हो मैं उस गांव को नहीं छोड़ सकती। ये कहकर माँ ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उससे एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से गांव फिर पहले जैसा हो गया, लोग प्यार से रहने लगे, कुओं में पानी भर आया,
खेतों में फसलें उगाई और यहाँ तक कि इन दिनों जिनकी मृत्यु हुई थी वो लोग जीवित हो उठे। माँ की महिमा देख सभी गाँव वालों ने माँ के नाम के जयकारे लगाए और बड़े धूमधाम से दुर्गा माँ के लिए जागरण किया।